Hey guys, I hope you all are doing well. Well, this is Marfa Nawaz Ahmed and you all are watching my YouTube channel. So friends, आप लोग इस वाले वीडियो में दीघा से रिलेटेड जो कुछ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि कैसे जाना है आफ्टर लॉकडाउन, वहाँ का क्या प्रोसेस है, तो मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताऊँगी। साथ में आप लोग मेरे इस वाले वीडियो में देखोगे कि हम लोग दीघा से हावड़ा वापस अपने घर कोलकाता कैसे रिटर्न आए। बीच मिला नहीं है लेकिन नहाने के लिए जो लोग हैं ना वो जा चुके हैं अंदर। यार आप लोग देख सकते हो कि दीघा सी बीच में कितना ज़्यादा भीड़ है। ये ओल्ड दीघा सी बीच है, यहाँ पर पानी बहुत कम उतरता है। तो अगर आप लोग नहाने के इरादे से, एंजॉय करने के इरादे से जा रही हो ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यू दीघा आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर का जो सी बीच है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इन कंपेयरिंग टू ओल्ड दीघा वाला सी बीच। ठीक है, तो आप लोग देख लो यहाँ पर। हाँ, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीघा अभी कैसे करके जाना है, वहाँ का प्रोसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है आफ्टर लॉकडाउन। तो मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हो तो आप दीघा जा सकती हो, अगर आप डबल वैक्सीनेटेड नहीं भी हो तो भी आप दीघा जा सकती हो। कैसे, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ आप जब पहुँचती हो ना तो वहाँ पे आपको 200 रुपीज़ करके पर पर्सन के ऊपर एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ आपको रिपोर्ट दे दिया जाएगा। वो वाला रिपोर्ट लेकर अगर आप कोई से भी होटल में जाते हो ना तो आपको रूम वहाँ पर दे दिया जाएगा। सो यार, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे मेरे होटल के बारे में पूछ रहे थे कि मैं कौन से होटल में रुकी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रुपासी बांग्ला में रुकी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा सही होटल लगा मुझे, वहाँ के स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा सही थे, नीट एंड क्लीन एम्बियंस था, सब कुछ ठीक रहा। मैंने अलग से एक रूम टूर दे दिया है उस होटल के ऊपर, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। प्राइस अगर आप लोग पूछोगे यार, तो प्राइस जो है ना वो कोई फिक्स नहीं है, कितने लोग होते हैं और आप कौन से सीज़न में जाते हो तो वो सब भी डिपेंड होता है। एसी रूम लेते हो या नॉन एसी रूम लेते हो, वो सारा चीज़ ना वहाँ पे डिपेंड होता है। तो आपको ना रिसेप्शन में जाकर वहाँ बात करना पड़ेगा। मैं उस होटल का जो रिसेप्शन का जो नंबर है ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। फाइनली हम लोगों का निकलने का टाइम एकदम आ चला है सामने, क्योंकि 4:15 हो रहा है, तो अब यहाँ से निकलने का पूरा वक्त हो गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि निकलते निकलते एक बार आप लोगों को भी अच्छे से पूरा कैमरा घुमाकर ओल्ड दीघा सी बीच दिखा लूँ। क्या मालूम आप लोग मेरा वीडियो देखकर आने का मन ही बना लो यार। तो आप लोग कहोगे कि यार आप तो ब्रांड एम्बेसडर बन गई हो दीघा का, तो यार मैं क्या करूँ, दीघा इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि वहाँ का वीडियो बनाते आप नहीं थकोगे। भाई मैंने आप लोगों को दिखा दिया है समुंदर ओल्ड दीघा का। बाय बाय। तो भाई हम लोग तो निकल गए हैं होटल से और हम लोगों का सामान आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग गाड़ी में आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। सो यार ये रहा दीघा स्टेशन, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से दीघा स्टेशन भी बना दिया गया है। पहले तो ट्रेन ही नहीं था दीघा आने का, पहले सिर्फ बस था, अभी ना ट्रेन हो गया है कुछ दिनों से। हम लोग तो बचपन से पापा के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बार आ चुके हैं दीघा। हम लोगों का तो बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट रहा है दीघा हमेशा से। मतलब अगर आप कम वक्त में मस्ती मज़ाक करना चाहते हो ना तो दीघा आ जाओ, बस आपका जो टाइम है ना वो पूरा अच्छे से पास हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्लस मूड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं ना आप लोगों को दीघा स्टेशन एक बार अच्छे से कैमरा घुमा कर दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख लो। एंड फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर दीघा सीरीज़ ऑन कर रखा है, तो आप लोगों को दीघा से रिलेटेड कोई सा भी वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। भाई फाइनली हम लोग स्टेशन आ गए हैं और आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा जर्नी किया। दूसरी बात भैया कि मास्क लगाना मस्ट है, अदरवाइज़ यहाँ पर तो पूरा यू नो भाड़ा लग जाएगा, पूरा 500 रुपीज़ का यहाँ पर फ़ाइन है दीघा स्टेशन में अगर आप लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो। फ्रेंड्स, ये था मेरा दीघा का आज का लास्ट डे वाला वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं स्टेशन में इस वक्त खड़ी हूँ और अब निकल रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो यार फाइनली हम लोगों का ट्रेन जो है ना वो एकदम मेरे सामने है, और चलिए अब जब बैठ जाते हैं और फिर जब ट्रेन जब ऑन हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों से बात करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो चला है। पहुंचाने का, लेकिन उसने 3 घंटा 5 मिनट में हम लोगों को पहुंचा दिया था।
और अभी देखिए 4 घंटा लगेगा क्योंकि ये जो है ना थोड़ा घुमा कर लेकर जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने बर्थ बुक करवाया है। ये देखिए काफी ज्यादा लंबा जर्नी, मतलब 4 घंटा। तो फाइनली अभी हम लोग तमलोक आए हैं, काफ़ी ज़्यादा देर, और अभी बज रहा है शाम का करीबन 7:30। कौन सा स्टेशन आ गया? मेचेदा नाम है भैया स्टेशन का, और अभी मेचेदा स्टेशन आया है तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारा। ये तो क्या रखा हुआ है यार, टोकरी क्या रखा हुआ है बहुत सारा। यार जाने के टाइम में तो एक्साइटमेंट होता है कि यार दीघा जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और टाइम का पता नहीं लगता है ट्रेन में, लेकिन यार वापस आने के टाइम में ना यार घर नहीं आ रहा, मुझे घर जाना है। पता नहीं ये कौन सा स्टेशन आया है, एक भी बोर्ड नहीं नज़र आ रहा है, क्या स्टेशन है यार समझ में नहीं आ रहा है। और अभी बज रहा है 8:40। दिस इज़ नॉट हावड़ा, मैं अपना हावड़ा स्टेशन को नहीं पहचानूंगी, ये हावड़ा स्टेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट हावड़ा स्टेशन। माता खराब है, हावड़ा स्टेशन देखिए ऐसा है क्या हमारा हावड़ा स्टेशन? 17 गांजी ना मतलब कि हावड़ा जाने के लिए हम लोग इतने बौड़ा गए हैं कि हम लोगों को हर स्टेशन हावड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये हावड़ा नहीं, ये 17 गांजी स्टेशन है। तो फाइनली हम लोग हावड़ा आ गए हैं और आई एम हैप्पी। चलिए अपना घर तो घर ही होता है, होम स्वीट होम, और हावड़ा देखकर एक खुशी हो जाता है। यस फाइनली मेरे करण अर्जुन आएंगे, और ये देखिए हमारा हावड़ा स्टेशन जो है ना वो आ चुका है, और दिल में खुशी की लहर, यार आई एम बैक टू होम। बड़ा अच्छा लगता है यार अपना हावड़ा स्टेशन देख करना, मतलब मेरा खरीदा हुआ नहीं है मगर हावड़ा स्टेशन तो यार अपने घर का है ना, तो मतलब कोलकाता पहुँच गए। तो निकल रहे हैं भाई हम लोग, और अभी हम लोग जर्नी सही रहा, ठीक रहा सब कुछ, होम स्वीट होम, वी आर बैक। तो भाई वापस आ चुके हैं हम लोग सारे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सो यार जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ हावड़ा स्टेशन, क्या अब टुक टुक दोस्त देखते रहोगे? इतना भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है यार, अब मोबाइल बंद कर दो, थक नहीं जाते हो तुम लोग? दीघा सीरीज़ देख देख कर दीघा के चप्पे से मैंने वाकिफ करवा दिया है, अब मम्मी भी चिल्लाएगी तुम लोगों को कंटिन्यू दीघा सीरीज़ देखते हुए। अब ख़त्म हो गया है दीघा सीरीज़, अब नया वीडियो आने वाला है, उसका वेट करो। टिल देन इन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय।